कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर तो यार, इतना मेरा दिल दुख रहा है अपने बालों को देख के। और देखो उनकी दुआ सुन ली अल्लाह ने और बिरयानी आ गई ना मेरे ड्रेस के हिसाब से, उन्होंने चाय बनाई है। तो खैर एंजॉय करें, टेंशन ना लें। दुनिया वालों वेलकम बैक टू अनदर डे, यही सैयद नौरीन वकार। हम जो है वो सो रहे हैं। हमारे यहाँ संडे की मॉर्निंग जो है ना बड़ी किस्तों में हुई है। किस तरह से पहले अफाम सब उठे थे आज 8:30 बज गया। फिर उनको भूख लगी है, फिर उनको टीवी देखना है, फिर उनको ब्रश नहीं करना था, मुंह नहीं धोना था, रोना था, फिर उनको मम्मा को उठाना था कि मम्मा उठ जाएं। मम्मा बड़ी ढीठ बन गई आज, मम्मा नहीं उठी। उठे फिर उसके बाद वकार उठ के अपना ऑफिस जा चुके हैं और अभी मैं उठी हूँ। अभी तो नहीं उठी, खैर 1 घंटा हो गया। फालिया सबको नाश्ता दे दिया चाय पापा का। फाइनली जो है ना दोबारा से सो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा है। अभी सो जाएंगे ना तो अपनी नींद पूरी कर लेंगे एटलीस्ट वरना। और इससे पहले मैं फटाफट बनाऊंगी अपना खाना। आज आपकी बहन बनाएगी ढोकली, तो मैंने आटा गूंद कर आई हूँ और मैं बनाती हूँ अफाम का पराठा। इससे पहले अफाम उठे, उससे पहले पहले मैं चाहती हूँ कि अफाम का पराठा रेडी हो जाए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच हो जाएगा आप सबका। और वॉच कीजिए कि क्या होता है कुछ नया नया डेली। मैंने जो है ना आटा फौरन से गूंद लिया फटाफट। अब मेरा आटा गूंद गया है, अब इसके बाद ना मैं फौरन से एक पराठा बना के रख देती हूँ अफाम के उठने से पहले। और अब मैं बनाने लगी हूँ अपनी ढोकली। तो ढोकली ना सबसे पहले जो है ना मैंने लिया है योगर्ट में डालूंगी मैं सारे मसाले। ढोकली का बैटर होता है ना वो मैं सबसे पहले प्रिपेयर करूंगी, तो बाकी का जो मसाला होता है ना वो बनाऊंगी। ये जी 4:15 हो गए। पहले मैं जो है ना ये बनाने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद जाएंगे हम नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद जो है ना हम कहाँ जाएंगे जी? व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? गुलाब की पत्तियों में भी कुछ होता है क्या? पत्तियों में कीड़े होते हैं क्या? देखो मुझे कीड़ा नजर आया। ओह सॉरी, वहम था मेरा, पत्नी कुछ काला काला सा था, मैं समझी कीड़ा, मैं डर गई। अभी तो लीजिए कीड़ा कैसे हो गया, क्या था वो ब्लैक नहीं होता जो? तो चलो जल्दी जल्दी मैं खाना बनाती हूँ। मैं ढोकली बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ढोकली के बनाने के बाद के तरीका। ये मसाला भून रहा है अभी टमाटर, तो उसके बाद मैं उसमें डालूंगी ये वाला योगर्ट। ये योगर्ट में मैंने आधा मसाला डाला हुआ है ये। फिर लेट्स गो टू टेक शावर। सुबह से इस लड़की को मैं बोल रही हूँ शावर ले लो और जबरदस्ती पकड़ के मुझे लेके जाना पड़ेगा। खाना शाना खा लिया मैंने, मेरी ढोकली जो है ना बन के रेडी हो चुकी थी। ढोकली बना के मैं फौरन से चली गई थी नहाने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं कि मेरी ढोकली कैसी लग रही है। वकार आ गए थे ऑफिस से, वकार ने खा भी ली माशाल्लाह से, और उसके साथ हमने बनाए थे जी व्हाइट राइस। तो सारा गीला गीला हो गया, अल्लाह हम गीले गीले यहाँ खड़े हो जाते हैं, सब गीला गीला कर दिया फर्श। हमने अफाम साहब को भी पकड़ के जो ना नहला दिया है, मोए मोए हो गया अफाम का। और जो है ना यार मेरा जो बालों जो पे जो मैंने करवाया था ना अफाम को नहलाने के चक्कर में ना मेरी चाय आधी हो गई। देखा आके तो चाय मेरी आधी हो गई। रिबॉन्डिंग उसने कहा रिबॉन्डिंग जैसा रिजल्ट आएगा, ये बिल्कुल भी कहीं से भी रिबॉन्डिंग जैसा रिजल्ट नहीं है। वापस से मेरे बाल जो है ना वेवी हो गए हैं, मतलब अभी ईद को समझो एक हफ्ता भी नहीं हुआ ईद को, बाल भी मेरे इतने टूट रहे हैं और वापस से मेरे बाल कर लिए। देखो वेवी हो गए, बेकार हो गए, मतलब पैसा बर्बाद हो गया मेरा, पैसा बर्बाद। मैंने बोला है वकार को कि उसको कॉल करो, उससे दोबारा से अपॉइंटमेंट लो, उसके पास जाऊं मैं, उसको अपने बाल दिखाऊं कि देखो बहन क्या तुमने किया है, वरना मतलब एक बार शैम्पू किया सिर्फ मैंने और बालों का हशर खराब हो गया। रूट्स आते हैं मेरे, रूट्स तो छोड़ो नीचे से ही वो सारे वेवी हो गए। ईद के तीसरे दिन जब मैंने वॉश किया था अपने सर, और जब मैंने आज शैम्पू किया तो देखो जरा किस कदर वेवी हो गए मेरे बाल। मैंने सोचा था ना वैसा रिजल्ट नहीं आया, वैसे पहले वाली पॉलर वाली ने कहा था एक्सटेंसो करवाओ अच्छा है, तो पहले की बात है। और इस वाली पॉलर वाली ने बोला कि केराटिन बिल्कुल वैसे रिजल्ट देगा जैसा आपको रिबॉन्डिंग देता है, कर देगा बाल जब तक रूट्स ना निकले। तो रूट्स तो निकले भी नहीं, अभी नीचे से ही वेवी हो गए, ऊपर तो आयरन करो और स्ट्रेट हो जाते ना बाल, वो वाला लुक आ रहा है मेरा सारा ना अपने। कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर तो यार, इतना मेरा दिल दुख रहा है अपने बालों को देख के। आप लोगों का एक्सटेंसो या आप लोगों की केराटिन अच्छी रही है इस बात रिबॉन्डिंग के, रिबॉन्डिंग ज्यादा बेस्ट है कि केराटिन बेस्ट है? तो एक्सटेंसो का वो एक्सपीरियंस भी बेकार रहा, मेरा केराटिन का एक्सपीरियंस भी बेकार रहा, मेरे सिर्फ रिबॉन्डिंग का ही एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लॉन्ग लास्टिंग रहा है, बाकी तो सब बेकार। तो जी हमारी पड़ोसन के यहाँ से मेरी दोस्त के घर से आ गई है जी बिरयानी। आज वकार इतना याद कर रहे थे बिरयानी को, उनकी दुआ सुन ली अल्लाह ने और बिरयानी आ गई। जिदार होती है यार इसकी बिरयानी, इतने मजे की होती है, सारे आलू बुखारे होते हैं एक तो। बेबी टुमारो इज योर स्कूल, अच्छा टाइम देख लो क्या टाइम हो गया, 10 बज रहे हैं। भाई भी जाके सो गए और वकार भी सो गए, और ये नवाब साहब जो ना अभी तक नाच रहे, नहला भी दिया सब कर दिया कि सो जाएंगे, फिर भी नहीं सोएंगे। कम
11:15 हो गए हैं, ये है स्कूल की खास और अच्छी बात। 11:15 बजे लीजा यहाँ सो चुके हैं और आफाम भी सो चुके हैं और मैं पढ़ती हूँ फटाफट से अपनी ईशा की नमाज। वाह वाह वाह, चाय का कप देखो बिल्कुल मेरे ड्रेस से कितना कोई खास मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना मेरे ड्रेस के हिसाब से उन्होंने चाय बनाई है। धुआं चेक करो, धुने वाला धुआं। कर गए थे खाना वाना खा के चाय लेने के लिए, अभी मैं चाय पीती हूँ, उसके साथ मैं लेकर आई बनाना, मैं बनाना शनाना खाती हूँ, बिरयानी मैंने दोबारा से खा ली थी। और अब मैं जाती हूँ जी टिकटॉक पर, माशाल्लाह क्या बात है जी, स्कूल की खुल गए, मज़ा आ गया जी। देखो कल से क्या होता है, कल स्कूल का है जी फर्स्ट डे, तो बच्चे भी खुश हैं इस दफ़ा जाने के लिए, वरना बच्चे उदास हो रहे थे ना, इस दफ़ा बच्चे भी खुश हैं भाई स्कूल जा रहे हैं, बच्चे बेजार हो गए घर में रह रहे के भाई। खैर कल मिलेंगे हम एक और नए दिन के साथ, और कल के दिन क्या होता है डेली रूटीन में रहेगा हमारे साथ, उसके लिए कर दीजिए हमें जल्दी से सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच हो जाएगा आप सबका। तो जब तक के लिए दीजिए अपनी बहन को इजाजत, टाटा बाय बाय, शब अगर दुनिया वालों, चिक 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 चिका।